डॉक्टर रमन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री अपना 11वां बजट पेश किया। सीएम ने कहा कि हमारा बजट अंत्योदय पर केंद्रित है। सूचना क्रांति के लिए इस बजट में 45 लाख लोगों को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान रखता है। रायपुर में दिव्यांग महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र में प्रदेश में 5.87% की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ का आम बजट पेश हो चुका है और रुख करेंगे रायपुर का, जहां हमारे स्टेट हेड आरके गांधी के साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। उनसे वो बातचीत करके जानेंगे कि ये बजट कैसा रहा और किस क्षेत्र के लिए ये बजट काफी अहम रहा। जी आरके जी, देखिए हम बजट पर चर्चा करेंगे और आपके भी जेहन में अगर कुछ सवाल हो तो आप भी वहां से दिल्ली से कर सकते हैं। और साथ में रायपुर में चूंकि छत्तीसगढ़ का जिस तरह से जो बजट आया है, इसमें तमाम आर्थिक विशेषज्ञ से लेके यहां पे हमारे साथ में डॉक्टर, जिसका कि डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, गृहिणियां भी मौजूद हैं और जो महिलाओं से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन पर भी बातचीत करेंगे, क्योंकि सखी वन स्टॉप सेंटर की यहाँ पे स्थापना की घोषणा यहाँ पे मुख्यमंत्री ने की है कि 26 जिलों में इसे खोला जाएगा। हमारे साथ में तपेश चंद्र गुप्ता जी यहाँ पे मौजूद हैं जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ में डीके शर्मा जी मौजूद हैं जो डिजिटल मुद्दों पर यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा डॉक्टर नेहा, जिस तरह से यहाँ पे मनेनगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल खोलने की घोषणा हुई है, तो उन पर उस विषय बातचीत करेंगे, क्योंकि चिकित्सा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें डॉक्टरों की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ यहाँ पर जूझता रहा है और ऐसे में इसको कैसे दूर किया जा सकता है, डॉक्टर निहास इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में नलिनी सिंह यहाँ पे मौजूद रहेंगी, जिनसे सखी वन स्टॉप सेंटर को लेकर जो मुख्यमंत्री की सौगात रही है उस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वंदना बिसेन हमारे साथ में मौजूद रहेंगी इस चर्चा में, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चूंकि ये बजट है और इसमें आर्थिक के पहलू को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए तपेश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। तपेश जी, अगर इस बजट को देखा जाए आर्थिक के नजरिए से, तो आपको क्या लगता है कि अगर आर्थिक नजरिए से इस बजट को देखा जाए तो क्या ये बैलेंस है प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो समावेश होना चाहिए? ये बजट जिस प्रकार का आया है, पिछले वर्षों की तुलना में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार और अतिरिक्त कर नियोजन की व्यवस्था नहीं की गई। तो इसलिए भी हुआ है क्योंकि जीएसटी आ रहा है ऑलरेडी, एक जुलाई से आने, तो ऐसे में सरकार के सामने भी तो अपना एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं था। जीएसटी के आ जाने से राजस्व में वृद्धि होगी, ये बात तो निश्चित है। अब तक के लोग वह किसी भी तरीके से कर अपवंचन कर लिया करते थे, अब वह स्थिति नहीं बनेगी, वसूली होगी। और सरकार ने ऐसा नहीं कि अपने व्यय को कम किया है, बल्कि और कल्याणकारी योजनाएं भी प्रारंभ की है। लगभग कुल बजट का 65% समाज कल्याण के लिए दिया है। अब ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहला मौका है कि इतनी बड़ी राशि हम समाज कल्याण के लिए खर्च कर रहे हैं, ये गौरव की बात होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का गौरव की बात हो। इस पे आरबीआई ने भी काफी संतोष जताया था कि छत्तीसगढ़ समाज मूलक कार्यों के लिए खर्च करने में सबसे अग्रणी स्टेट है और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पे दूसरा स्थान यहाँ पे छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। डिजिटल मुद्दों की चर्चा कर लेंगे, क्योंकि डिजिटल विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद है, डिजिटल एक्सपर्ट डीके शर्मा जी। डीके शर्मा जी, अगर देखा जाए 45 लाख स्मार्टफोन, आपको क्या लगता है कि 45 लाख स्मार्टफोन अगर बांट दिया जाए पूरे प्रदेश में तो इससे डिजिटल क्रांति आ जाएगी? देखिए, डिजिटल क्रांति तो आ चुकी है, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट बनी थी सेंट्रल, छत्तीसगढ़ के अगर प्रदेश में देखें, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका वनांचल से यहाँ पे वनांचल इलाका है। देखिए है, अभी मैं आपको बता दूं कि रूरल एरिया में आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जहां पे यूथ है वो डिजिटलाइज हो चुके हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये नारा था कि सभी इंसान को डिजिटलाइज होना है। आज की डेट में मैंने बताया ना कि किसान को कौन सा खाद और पानी डालना है वो भी ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन वो पता करता है, वो किसी मैगजीन के थ्रू किसी न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं जाना पड़ता है। तो डिजिटल की एक बहुत बड़ी क्रांति आई, आज पूरा वर्ल्ड जो है इंडिया के डिजिटल को देख रहा है। छत्तीसगढ़ पर फोकस करें, क्योंकि डिजिटल एक ऐसा विषय है जिस पर जितनी चर्चा की जाए कम है, समय भी कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 45 लाख स्मार्टफोन को लेकर अगर चर्चा करें तो क्या 45 लाख फोन जिस तरह से यहाँ पे फैमिली को बांटे जाएंगे, उसमें सिम भी दिया जाएगा, तमाम बातें होंगी, आपको क्या लगता है कि ये सूचना क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम रहेगा? बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि देखिए आज की डेट में स्मार्टफोन जो है रेट भी उसके बिल्कुल नॉमिनल हो गए और सब लोग एफर्ट्स करने लग गए, और आज की डेट में घर का भी जो बजट होता है तो डिजिटल पे उन्होंने अपना बजट निकाल लिया है, चाहे वो आपका रिचार्ज से संबंधित हो, चाहे आपको स्मार्टफोन से लेकर रिलेटेड हो, तो वो सब चीजें मतलब कर सकते हैं और बहुत अच्छा एक कदम है सरकार का। बहुत अच्छा कदम है और इसलिए इस कदम की सराहना भी हो रही है। हमारे साथ में डॉक्टर नेहा यहाँ पे मौजूद है और डिजिटल की जिस तरह से बात हो रही है तो डिजिटल हेल्थ सेक्टर में डिजिटल
समावेश की भी बात बहुत जोर शोर से उठती है कि अभी भी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कुछ शहरों तक ही सीमित रह गया। जैसे एम्स की अगर बात कर ली जाए तो दिल्ली में एम्स है, उसके अलावा अन्य कई जगहों पर भी एम्स खोला गया, रायपुर में भी एम्स खोला गया। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने एक पहल की है कि कैंसर हॉस्पिटल मनेन्द्रगढ़ में खोला जाएगा। अक्सर ये बात यहां उठती है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो दुरस्त अंचल है, वहां पर डॉक्टरों की कमी अक्सर दिखती है। आपको क्या लगता है कि मनेन्द्रगढ़ में कैंसर हॉस्पिटल खोले जाने से जो सरगुजा इलाके की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सुदृढ़ होगी वहां पर? जी बिल्कुल। आप क्या मानती है कि आपका नजरिया क्या है, चिकित्सा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए एक स्टेट की आपके नजरिए में? चिकित्सा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि इजीली पेशेंट्स तक पहुंच सके, उसके अलावा उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए, और आई थिंक ऐसे भी प्रोग्राम्स उनके लिए होने चाहिए कि कैसे बीमारियों से बचा जाए, उसकी रोकथाम ज्यादा जरूरी है इंस्टेड ऑफ उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको फर्स्ट एड से लेकर के उनको प्राइमरी मैनेजमेंट से लेकर के ओवरऑल हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जिसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम्स रन करने चाहिए। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसी अवेयरनेस के चलते यहाँ पे राज्य सरकार ने कई यहाँ पे अहम कदम उठाए। यहाँ पे नलिनी सिंह से हम जान लेते हैं। नलिनी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे महिलाओं को लेकर काफी कुछ है बजट में, यहाँ पे राखी सखी वन स्टॉप सेंटर की घोषणा यहाँ पर की है। वन स्टॉप सेंटर तो पहले भी था रायपुर में, लेकिन इसको अब 26 जिलों में फैलाया जाएगा। ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि इससे महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा या अनाचार या जो भी गलत चीजें हो रही हैं उसमें रुकावट आएगी, कमी आएगी, और महिलाओं की प्रगति, उन्नति और उनके उत्थान के लिए बहुत जरूरी है कि उनको इस तरह के वन स्टॉप केंद्र खोले जाएं ताकि उनको सारी सुविधाएं मिल सके। देखिए, महिलाओं को तो सुरक्षा यहाँ पे दी ही जा रही है, साथ में यहाँ पे सरकार का ये मकसद है कि महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकाला जाए, उनको काम दिया जाए, और लाइवलीहुड कॉलेज इसमें एक बहुत अच्छा कदम है। वंदना विसेन जी हमारे साथ मौजूद है। वंदना जी, अगर देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर छात्रावास की बात की जा रही है कि हॉस्टल यहाँ पे खोले जाएंगे जो लाइवलीहुड कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 बच्चों के लिए, 15 छात्राओं के लिए, तो छात्राओं को निकालना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि लाइवलीहुड कॉलेज की तो काफी चर्चा हो रही है, और इसमें जिस तरह से एक रेशियो रहना चाहिए छात्र छात्राओं के बीच में, उसमें कभी कहीं ना कहीं छात्राएं काफी पीछे है, और लिहाजा ऐसे में जो सरकार की पहल है वो छात्राओं को आगे लाने के लिए काफी कारगर होगा। जी हाँ, ये योजना बहुत अच्छी है। अभी तक छात्रावास में छात्राओं को काफी प्रॉब्लम होती थी, सरकार के इस कदम से छात्राओं में बहुत सुविधाजनक फैसिलिटी मिलेगी उनको, और वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। और आप क्या मानती है, अगर इस बजट को देखा जाए तो शिक्षा पर काफी फोकस है, नए कॉलेजेस खोलेंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा एजुकेशन के क्षेत्र में, तो काफी आपको क्या लगता है कि पूरा बजट एजुकेशन पे ही फोकस रहा? जी हाँ, सरकार ने तो हर क्षेत्र में फोकस किया है, लेकिन एजुकेशन को काफी महत्व दिया गया है इसमें। एजुकेशन को काफी महत्व दिया गया है। तपेश जी, क्या लगता है, आर्थिक के अगर नजरिए से देखा जाए तो एजुकेशन पर क्यों ज्यादा फोकस रखा गया है? आपको लगता है कि इसमें एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है? हाँ बिल्कुल, इस बार बजट सबसे ज्यादा किसानों के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। यहाँ पे जो शिक्षा के स्तर तो बढ़ा, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, पर फिर भी क्या है, रोजगार मूलक नहीं बन पा रहा है। रोजगार मूलक बनाने के लिए बच्चों को उस प्रकार की स्किलनेस डेवलप करना है और एजुकेशन के स्तर को उस स्तर पर लाना है ताकि हमारे यहाँ के छात्र सफल होकर राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। और खासतौर पर जो हमारी परिकल्पना थी कि अब ये स्थिति यह है कि हायर एजुकेशन के लिए भी हमको पर्याप्त स्टाफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पोस्ट मिल पा रहा है, तो इस प्रकार की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ के जो उच्च शिक्षा में, जो प्रोफेसर्स की नौकरी में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उससे बच्चे ज्यादा सक्सेस होंगे। मैं तो ये चाहता हूँ बल्कि इससे ज्यादा और रेसिडेंशियल महाविद्यालय की स्थापना करनी थी, जो नहीं हो पाई है उसके तत्काल किया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में विस्तार हो और रोजगार मूलक स्थिति में आए, कोई भी पढ़ा लिखा स्नातकोत्तर छात्र बेरोजगार न रहे। ये सरकार की कल्पना है और मेरे ख्याल से इसके आधार पे पूर्ण भी होगी। कल्पना तो बहुत सारी होती है, कल्पना ये भी है कि एजुकेशन में जिस तरह से विदेशों में टैबलेट बेस्ड पढ़ाई हो रही है, कागज का काफी कम उपयोग हो रहा है, पेपरलेस एजुकेशन, ई पेपर ई एजुकेशन पे काफी चर्चा है, और ऐसे में क्या लगता है कि ई पेपर ई एजुकेशन की दिशा में सरकार ने इस बजट में कुछ खास रखा है? हाँ देखिए, आज की डेट में मैंने ये बताया कि डिजिटल के ऊपर जो इंडिया आगे बढ़ रही है और डिजिटलाइज कर रहे हैं सारे यूथ को लेकर, क्योंकि डिजिटल एक ऐसा माध्यम हो गया कि कहते हैं कि आपने वर्किंग किया लेकिन आपकी स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए। अगर आपका 10 घंटे का वर्क है उसको आपने 6 घंटे में कर लिया, दैट इज स्मार्ट वर्किंग। तो वो डिजिटल के द्वारा ही संभव हो पाएगा, उसके बगैर नहीं हो पाएगा।
तो मैं समझ रहा हूं कि आज की डेट में जो कह रहे हैं ना पेपरलेस ई कॉमर्स का जो टाइम आया, ई बैंकिंग आप देख लीजिए, आपके ऑनलाइन के थ्रू आजकल राशन कार्ड, आपके आधार कार्ड और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी सुविधाएं जो है ऑनलाइन से कनेक्ट हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, ऑनलाइन से कनेक्ट हो रही है। डॉक्टर नेहा, जब आप पढ़ाई कर रही होंगी और जब आपको बजट से रूबरू हुई होंगी, अब क्या लगता था कि बजट में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए, खासतौर पर अगर हेल्थ सेक्टर के एजुकेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में काफी चुनौती है और जिस तरह से एजुकेशन होना चाहिए हेल्थ सेक्टर में, उसमें सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए शायद वो पहल उस तरह से नहीं हो पा रही है। हाँ, यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो फैकल्टीज को बहुत बड़ा इशू रहता है, वो उतने अच्छे फैकल्टीज यहाँ पर कॉलेजेस में नहीं होते हैं जो डिमांड में रहते हैं, और उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस और यूटिलिटी भी उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती जो अदर स्टेट्स में हमने कंपैरेटिवली जो मेट्रोज इन अदर सिटीज में हम लोगों ने देखी है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि मेडिकल कॉलेज की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हॉस्पिटल की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें बैलेंस भी नहीं बना पाते जिनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जी, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि उनकी जो कमेटी रहती है एट टाइम्स ऐसा होता है कि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप्स रहते हैं, वो अपने अपने सेक्टर को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट जो है उनको दोनों जगह ही अपनी प्रायोरिटीज मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। क्या है कि अगर पूरे स्टेट को समझना है तो सिर्फ राजधानी रायपुर में बैठकर नहीं समझ सकते, ट्राइबल बेल्ट है, 32% यहाँ की आबादी जो है ट्राइबल है, ऐसे में आपको क्या लगता है नलिनी सिंह जी कि ट्राइबल जो वीमेन्स है, आपने ट्राइबल को भी देखा होगा, सुना भी होगा, जाना भी होगा, नजदीक से भी समझा होगा, तो आपको क्या लगता है कि ट्राइबल वीमेन के लिए क्या होना चाहिए, इस बजट में आपको क्या दिखता है? सर, मैं चाहती हूँ कि उनका शोषण रुके, उनको रोजगार मिले और उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिस तरह से सखी वन स्टॉप सेंटर जिसे बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या इससे कारगर साबित होगा? बिल्कुल, बहुत कारगर होगा। ट्राइबल में आपको और क्या चुनौती दिखती है ट्राइबल वीमेन्स को लेकर खासतौर पर? उनको एजुकेट किया जाना चाहिए सबसे पहले, फोकस किया ही किया गया पूरे तौर पर फोकस एजुकेशन को ही। जी बिल्कुल। आप क्या मानती हैं, यहाँ पे वंदना बिसेन जी है, वंदना जी आप क्या मानती हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर जो बजट में बातें की गई हैं वो काफी पर्याप्त है कि और कुछ होना चाहिए था आपके नजरिए? नहीं, सरकार ने बहुत अच्छा बजट लाए हैं और इससे हम काफी खुश हैं। सिर्फ दो ही सेक्टर पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया है कि सातवां वेतन मान नहीं दिया और धान पे बोनस नहीं मिला। तो अपने तर्क हैं सरकार के कि सरकार ये चाहती है कि हम किसानों को इतना सक्षम बना दें कि उनकी जो लागत मूल्य है वो कम हो जाए और जितना अगर वो बोनस देंगे तो उसके बराबर इक्विवेलेंट हो जाए, और शायद इस तरह की मैसेजिंग नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम बोनस तक ही सीमित ना रहें, हम 0% कृषि ऋण भी दे रहे हैं, इसके अलावा बिजली की दरों में भी काफी कटौती है, बहुत सारी बातें पर लाभ देने की योजना नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि किसान सामने आए, मेहनत करे, उनको अच्छी बीज मिलेगी, अच्छी उत्पादकता की सामग्री मिलेगी, आप अपना मेहनत करिए, उपज बेचिए और फल प्राप्त करिए। मुफ्त खोरी की जो मनोवृत्ति जो जन्म ले रही थी, अनावश्यक रूप से अनुदान देना, बोनस बांट देना, मतलब उनके जेब में पैसा डालिए। आप कृषि उपकरण पर देखिए सब्सिडीज भी तो काफी है, पशुपालन में भी सब्सिडीज है, तो पशुपालन पे इन्होंने चिकित्सा व्यवस्था भी दी है। पशुधन होने के बाद ये बीमार पड़ गए और इलाज नहीं हो पा रहा है बोले तो अब इस बजट में तो पशु चिकित्सकों के लिए भी व्यवस्था हो गई, उनको रोजगार मिलेंगे, गांव में पशुधन जो सुरक्षित होंगे, उनके आहार और उनके दुग्ध पालन होकर की योजनाओं को भी संपोषित किया गया है। तो इससे निश्चित तौर पे कृषि के साथ साथ पशुधन और उद्यानिकी, ये तीनों चीजों पर विकास होगा। मैं कहूं कि समग्र रूप से कृषि पर सरकार ने इस बार ध्यान केंद्रित किया है। इस बार सरकार का मुख्य ध्यान जो है केंद्रित हुआ है कृषि पर और ग्रामीण विकास पर। ग्रामीण विकास पर भी सरकार ने इधर काफी ज्यादा खर्च करने के अंत्योदय योजना के अंतर्गत किया है और साथ ही जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी किया है, और ये एक प्रकार से समग्र बजट है जिससे समाज कल्याण की चीजों के साथ साथ देश के नागरिकों को सबल बनाने की कोशिश की गई है। नागरिकों को सबल बनाने की कोशिश की गई है। कृषि की हम बात कर रहे थे, कृषि में भी डिजिटलाइजेशन तो हो ही रहा है, कृषि उपकरण है, एक से कृषि उपकरण आ गए हैं। आपको क्या लगता है कृषि के क्षेत्र में हम काफी डिजिटल हो पाए या अभी भी हम काफी बैक हैं? मैं देखिए गांधी जी, इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर लैंड को बचाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो भी एग्रीकल्चर लैंड है वो खत्म होता जा रहा है, वहां क्या हो रहा है आवासीय कॉलोनी बन रही है। आप ये देखिए, आज से 20 साल पहले हमने नहीं सोचा था कि 200 रुपए किलो अरहर दाल खाएंगे। आपको याद होगा कि ये जानवर खाते थे। क्यों? एग्रीकल्चर लैंड जो खत्म होता जा रहा है।
किसान जो है वो लेविस लाइफ की तरफ। इस पर क्या है वृहद चर्चा हो सकती है, लेकिन हमने क्या पूरे बजट पे ही फोकस करने की बजट के। मैं इसमें उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, डिजिटल को लेकर थे कि किसान अभी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि अब जो काम करते थे उनके पिताजी या दादा अब वो नए, वो डिजिटल को लेके वो थोड़ा सा अवेयर हो गया है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है कि उनको ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल हो जा रही है, चाहे वो खाद हो, चाहे पानी हो, चाहे उनका एग्रीकल्चर का कोई स्पेशलिस्ट हो या कोई साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक, वो उनको इमीडिएटली अवेलेबल हो रहा है, तो उनका रुझान बढ़ रहा है इस चीज को लेकर, तो ये एक अच्छी पहल है। अच्छी पहल है, और यहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है, दो जो प्रखर वक्ता है वो पुरुष है, तीन यहाँ पे महिला है, और महिला घर का जो बजट हो है वो महिला ही निर्धारित करती है, और काफी अहम होता है, क्योंकि बजट देखिए एक घर से जो बजट शुरू होता है वो बजट नगर निगम फिर उसको अपने अनुसार ढालती है, फिर स्टेट उसको बनाता है, तो निचले स्तर पर घर का बजट जो आप जब आप तय करते हो तो आप किन किन बातों का ध्यान रखती है? सबसे पहले तो फोकस खाने पे ही होता है, और सरकार ने उसमें, मैं खुश नहीं हूँ सरकार से, क्योंकि इसमें मीडियम परिवार ज्यादा पिसता है। ये जो है मुनाफाखोरी या इसमें जो दाम बढ़ते हैं इसके लिए देखिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है, बहुत लेवल में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब आप घर का बजट बना रही होती है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखती है? देखिए बजट जो है, बजट आप जब बनाते हो तो आपको किन की आपका जो पॉकेट कितना अलाउ करता है कितना नहीं अलाउ करता, आप क्या मानती है बजट जब आप तय करती है तो आप किन किन की बातों का ध्यान? सिलेंडर का दाम सबसे पहले जो बहुत जरूरी है गैस से संबंधित, और अनाज पे, और जो ऊपरी खर्चे हैं उन पे भी। तो सरकार की जो पहले उज्ज्वला योजना गैस की जो आपने बात की उसमें सब्सिडीज भी दी जा रही है, जो असक्षम महिलाएं हैं, जो जिनके जो फूकती रहती थी चूल्हे और खाना बनाने उनको काफी दिक्कत होती थी, फिर उनको स्वास्थ्य दिक्कतें होती, तो उज्ज्वला योजना को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी योजना के रूप में देखती हूँ, क्योंकि ये गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत बहुत लोगों को मिल चुका है और वो सारे परिवार खुश हैं। इस बजट में एक बात खास तौर पर देखने को मिला है कि इस उज्ज्वला योजना को काफी फोकस किया गया है। डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर नेहा, आपको क्या लगता है कि जब जो गृहिणियां थी ट्रेडिशनल जो कुकिंग है उस पर ज्यादा आश्रित रहती थी, कुकिंग गैस की पहुंच नहीं थी, तो इससे उनके स्वास्थ्य कितना असर पड़ता था, और अब क्या रेशियो आपको दिखता है, क्योंकि आप अपने पेशे में दिन आए दिन आप रूबरू होती होंगी? सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो ऑलरेडी धूल मिट्टी की वजह से ब्रोंकाइटिस बहुत ज्यादा है, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग था उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस के केसेस बहुत ज्यादा होते थे, खासकर महिलाओं में, जबकि वो कुपोषित हैं, और उसके अलावा उनको उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना स्ट्रेन करना पड़ता था, तो ब्रोंकाइटिस, टीबी और ऐसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनमें काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। अब इस योजना के तहत ये देखना है कि इसका फ्यूचर में कितना इफेक्ट आता है, क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम एक रेशियो डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। आप अपने पेशे से रिलेटेड कभी आपने दौरा भी किया होगा बस्तर का या कभी दूरस्थ अंचलों का, आपने कभी ऐसा दौरा किया है वहां पर आपने देखा है चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर, कभी आपने उस पर नजर डालने की कोशिश की हो? सबसे पहले तो देखने को यही मिलता है कि जो स्लम एरियाज में है उनमें डेफिशिएंसीज बहुत रहती है, और स्लम एरिया में रहने की वजह से, कंजस्टेड रहने की वजह से टीबी, मलेरिया और सिकलिंग जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है उनमें। उसके अलावा उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी प्रॉब्लम्स मिलती है, और जितनी भी डेफिशिएंसी बीमारियां हैं जैसे विटामिन डेफिशिएंसीज वगैरह, जिनकी वजह से उनमें कमजोरी, चक्कर आना, और ये सब अनीमिया काफी ज्यादा मात्रा में। जो बात कही और इस बजट में भी इस बात का प्रावधान रखा गया कुपोषण, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुपोषण काफी अधिक था, और इस बार जो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि 10% की कमी आई है कुपोषण में, आपको लगता है कुपोषण में कमी है इन दिनों? कुपोषण में कमी आई है अगर हम देखेंगे उनका BMI देखेंगे तो, लेकिन अगर हम देखेंगे उनका एक्चुअल जो उनको जितनी मिनरल्स विटामिन की जरूरतें रहती है आज भी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे वो शहरों में हो, कुपोषण हर जगह मिलता है, चाहे वो मिनरल्स के फॉर्म में हो, चाहे विटामिन के फॉर्म में हो, चाहे वो कैल्शियम। क्या लगता है कि इसमें कमी हुई है या बढ़ोतरी होती जा रही है? बढ़ोतरी इस वजह से हो रही है क्योंकि आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल शहरों में बहुत ज्यादा है, और गांवों में देखा जाता है कि वहां पर उनको ना उतनी अवेयरनेस है, ना उनको उतने ज्यादा मोड्स मिल पाते हैं उन चीजों को ओवरकम करने के लिए। यहाँ पे महतारी जतन योजना की काफी जिक्र हुई, महतारी जतन योजना अभी हाल के दिनों में यहाँ पे शुरू हुई है, कुपोषण में जिस तरह से सरकार ने जो पहल की, बाल विकास को अगर बात कर ली जाए, मातृत्व की अगर बात कर ली जाए, तो तपेश जी आपको क्या लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जिस चीज से काफी दिनों तक जूझता रहा वो रेशियो काफी कम हुआ है इन दिनों, और बजट में हर बजट में इसका खासतौर पर प्रावधान रखा गया? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है
कि कुपोषण की दर बढ़ रही थी, सरकार ने मध्यान्ह भोजन भी इसी के अंतर्गत शुरू किया और अभी पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों को एक स्वस्थ आहार देने की व्यवस्था है। पर एक बड़ी विचित्र बात सामने आ रही है, ग्राम के साथ साथ शहरी क्षेत्र में कुपोषित बच्चे हो रहे हैं। जो पाश्चात्य सभ्यता की संस्कृति की जो चीजें यहाँ खा रहे हैं उसके कारण भी कुपोषण एनीमिया जैसी बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। और उसके नियंत्रण के लिए एक यही है कि हमारे यहाँ के माताएं जागृत हो, अपने बच्चे को वो आहार दे जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। हम किसी देश की नकल करके उनको ब्रेड या नूडल्स खिला के डेवलप नहीं कर सकते। हमारा बच्चा अलग टेम्परेचर में और अलग पर्यावरण में रह रहा है, तो उसे सुपोषित भोजन देने के लिए हमारे यहाँ उत्पादन होने वाले फल और अनाज ही दिया जाए। ये जो हम पाश्चात्य सभ्यता की ले रहे हैं उसका प्रभाव लगता है कि कृषि बजट में इस बार काफी अच्छा खासा बढ़ोतरी यहाँ पे रखा गया है। इस बार दूध वगैरह जो देने के बच्चों के लिए जो आहार वगैरह में जो जोड़ा गया है, मैं मानता हूँ कि इसमें घी वगैरह के भी ऐसे प्रावधान और अब डेयरी फार्मेसी भी डेवलप करने की योजना है। तो मुझे लगता है कि तुरंत इसका परिणाम प्राप्त नहीं होगा, पर 3-4 वर्षों पे एक सकारात्मक प्रभाव आएगा, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ सीधे पैदा नहीं हो सकते, इसके लिए कुछ समय लगता है। और सरकार जिस प्रकार से डेयरी वगैरह को डेवलप कर रही है तो निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक परिणाम आएगा। 146 नए टावर लगाए जाएंगे और जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि मोबाइल दिया जाएगा, तो मोबाइल देने के साथ साथ में आपको लगता है कि नेटवर्क जो कंजम्पशन रहता है वो एक बहुत बड़ा इशू है, इसको दूर करना भी कहीं ना कहीं लाजिमी है। मोबाइल तो आप दे देंगे हाथों में, लेकिन उसके लिए प्रॉपर नेटवर्क भी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें केंद्र सरकार के सूचना मंत्रालय से ये आदेश जारी हो गया है सभी हिंदुस्तान में राज्यों में कि जहां पे नेटवर्क कंजेशन हो रही है या कॉल ड्रॉप हो रहा है वहां पे टावर लगाए जाए। ये पूरी तरह से अगर वो सरकारी जगह पे उनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वहां पे टावर लगाया जाए, अगर वो कोई प्राइवेट एरिया में उनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है तो वहां लगाया जाए। तो ये मुद्दा जो है बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया गया है, तो नेटवर्क की समस्या और कॉल ड्रॉप की समस्या आने वाले समय में बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि इस पे केंद्र सरकार का सूचना मंत्रालय काम कर रही है ऑलरेडी, तो ये समस्या दूर हो जाएगी आने वाली। तो समस्या दूर हो जाएगी। एक बात तो यहाँ पे खासतौर पर है कि जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलता है, आपके भी जानने पहचानने वालों में स्कॉलरशिप मिला होगा, मेडिकल क्षेत्र में ऐसे स्कॉलरशिप मिलता है, उसको सीधे डबल कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि स्कॉलरशिप डबल करने से जो एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है वो अच्छा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर स्कॉलरशिप बेस पर स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि उन्होंने अपनी ही एजुकेशन को अर्न किया है, और जब वो कॉन्फिडेंस आता है तो वो प्रोफेशनली भी उस लेवल पर आगे जाने के लिए अपने में उतना कॉन्फिडेंस रखते हैं और उतनी एबिलिटी रखते हैं। एबिलिटी के साथ में एक एबिलिटी की बात ये होती है कि कॉलेजों को वाईफाई जोड़ करना, ये पिछले बार भी बजट में ऐसा देखने को मिला यहाँ पे। तो इस बार जिस तरह से इस बजट में ये प्रावधान रखा गया है कि हम कॉलेज में यहाँ पे रखेंगे, तो ये सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है? पिछले बजट में भी इस बजट में भी इसको रखा गया। देखिए मैं इसमें ये बताया ना गांधी जी कि हमें जो है जो अब जो फैकल्टीज आएंगे उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, हमें उनको डिजिटलाइज करना पड़ेगा, उनको वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब वो जाके उस बच्चे को जो है क्लाउड से सिलेबस लेके पढ़ा पाएंगे। तो उसमें हमें एजुकेशन और हायर एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा, उसको बखूबी काम यहाँ पे हो रहा है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जिस पर लाइवलीहुड कॉलेज में जो काम हो रहा है और उसमें खासतौर पर फोकस भी किया गया है। हाँ वो बहुत जरूरी है, स्किल डेवलपमेंट में बताया उसी पे फोकस होना पड़ेगा। हम कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ 1000 इंजीनियर है, इंजीनियर होने से काम नहीं होता, हमें स्किल उनको बढ़ाना पड़ेगा, उसको स्किल्ड इंजीनियर बनाना पड़ेगा जो अवरली काम कर सके उस चीज को और अपना वो पोटेंशियल दे सके। तो पोटेंशियल दे सके और पोटेंशियल यहाँ पे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी देते नजर आते हैं हर बजट में। कभी उनका बजट सतरंगी होता है, कभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बेस्ड बजट होता है, कभी यूथ को लेकर उनका बजट होता है, कभी जेंडर बेस्ड बजट होता है, कई बार बजटों का अलग अलग स्वरूप दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो बजट है वो उसका क्या नाम दिया जाए? प्रॉपर नाम अगर देना आपको हो इस बजट को तो क्या नाम दिया जाता है? मैं इसे अंत्योदय विकास योजना ही मानूंगा, क्योंकि यह अगर तौर पर बजट को देखा जाए तो समग्र रूप से देखा जाए तो। और एक चीज जो छूट रही है चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी एक चल रही है, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय के छात्रों को जो है योग्य हैं उनको रोजगार मूलक बनाने के लिए, उनके जगह पे प्लेसमेंट लाने के लिए, अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेसमेंट के लिए कंपनियां नहीं आया करती थी, अब छात्र को उसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इस बार
जो बजट आया है उसे मैं अंतिम रूप ये मानूंगा कि कृषकों को बोनस के लिए ललायित ना होकर अपने कार्य के लिए सही मूल्य प्राप्त करने तो अपने कार्य के लिए सही मूल्य प्राप्त करना और अपने कार्य को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने जो चुनौती उन चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने जो बजट लाया है वो उस बजट में अंत्योदय विकास को काफी अहम माना है। बैक टू स्टूडियो।